सफलता पानी है तो सिर्फ लक्ष्य पर ध्यान दो, रास्ते की बाधाओं पर नहीं। अमेज़न। मीटिंग के दौरान एक कुर्सी हमेशा खाली रखते हैं जेफ बेजोस। कहते हैं मानकर चलो उस पर ग्राहक बैठा है। यह दुनिया की सबसे बड़ी ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी है। कोरोना के संक्रमण काल में जहां अमेरिका सहित दूसरे देशों में विभिन्न कंपनियों की हालत खराब रही, वहीं अमेज़न ने पिछले कुछ महीनों में करीब 1,75,000 से ज़्यादा नए लोगों को भर्ती किया है। आखिर अमेज़न इतनी सफल क्यों है, आइए जानते हैं। ग्राहकों के ईमेल खुद पढ़ते हैं बेजोस। उनके हर फैसले के मूल में हमेशा सिर्फ ग्राहक होते हैं। बेजोस का फोकस ग्राहकों के हित पर हमेशा रहा है। लंबे समय तक व्यवस्था यही रही है कि कोई भी असंतुष्ट ग्राहक बेजोस को सीधे ईमेल लिख सकता है। बेजोस उस ईमेल में एक क्वेश्चन मार्क लगाकर संबंधित विभागों में भेज देते हैं। इस क्वेश्चन मार्क का मतलब होता है कि जिम्मेदार व्यक्ति को यह स्पष्ट बताना होगा कि ग्राहक असंतुष्ट क्यों है। जेफ बेजोस जब भी दफ्तर में मीटिंग लेते हैं तो आज भी एक कुर्सी खाली छोड़ते हैं। इसे वे द एम्प्टी चेयर कहते हैं। उनका तर्क है कि यह हमारे ग्राहक की कुर्सी है, ये मीटिंग के दौरान खाली रहेगी और यहाँ जो भी बात होगी वो इस कुर्सी को ध्यान में रखते हुए होगी। हम सभी इसके प्रति जिम्मेदार हैं। अमेज़न की कमाई कहाँ से कहाँ तक? ऑनलाइन स्टोर से, रिटेल थर्ड पार्टी सेलर सर्विस से, क्लाउड सर्विस से, सब्सक्रिप्शन से होने वाली कमाई, फिजिकल स्टोर से आए और बाकी अन्य सोर्स से कमाई, आप देख सकते हैं कैसे बढ़ती गई अमेज़न। ऑनलाइन किताब बेचने से हुई थी शुरुआत। अमेज़न ने 1995 में किताब बेचने से शुरुआत की थी। हालांकि कंपनी की स्थापना 1994 में हो गई थी। जुलाई 1994 में जेफ बेजोस ने कैडवा नाम की कंपनी रजिस्टर्ड करा ली थी, लेकिन बाद में इसके नाम के उच्चारण में लोगों को परेशानी हुई। ऐसे में बेजोस ने नया नाम सोचना शुरू किया। नवंबर 1994 में बेजोस ने अमेज़न नाम को रजिस्टर करा लिया था और 16 जुलाई 1995 को amazon.com नाम की नई वेबसाइट लॉन्च कर दी। यहां ऑनलाइन किताबों को खरीदा जा सकता था। बेजोस की सोच, कंपनी का नाम ऐसा हो कि उसके विशाल आकार का पता लगे। संकल्प, ठान लिया था कंपनी बड़ी ही बनेगी। जब कंपनी का नाम रखना हुआ तो बेजोस की शर्त थी कि नाम का पहला अक्षर ए से होना चाहिए, क्योंकि यह अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला का नेतृत्व करता है। उनकी दूसरी शर्त थी कि नाम से महसूस हो कि कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है, जबकि यह बात 1994-95 की है, तब उन्हें बिजनेस की दुनिया में कोई नहीं जानता था। उनकी दूसरी शर्त थी कि नाम ऐसा हो जिससे कंपनी का विशाल आकार पता चले। तमाम जदोजहद के बाद उन्होंने नाम अमेज़न रखा, जो एक नदी के नाम पर है। दूरदर्शिता। ऑनलाइन शॉपिंग का तब सोचा जब लोग ईमेल तक नहीं जानते थे। जेफ बेजोस हमेशा से कंप्यूटर और तकनीक में भरोसा करते रहे हैं। बेजोस दूरदर्शी इतने हैं कि 1990 के दशक की शुरुआत में ही ठान लिया था कि वे इंटरनेट के माध्यम से कोई बड़ा व्यवसाय करेंगे। वर्ष 1993-94 के आसपास उन्होंने पाया कि एक ही वर्ष में इंटरनेट के उपयोग में 2300% बढ़ोतरी हुई है। उन्हें तब ही महसूस हो गया था कि लोग अब इंटरनेट के माध्यम से शॉपिंग करेंगे, जब उस समय विश्व में बड़ी आबादी ईमेल भी नहीं करना जानती थी। तैयारी। 20 उत्पादों की सूची बनाई, खुद से सवाल किया आखिर शुरुआत कैसी होनी चाहिए। उस समय सबसे बड़ा सवाल था कि इंटरनेट पर कौन सा व्यापार किया जाए। कोई उनकी सहायता भी नहीं कर पा रहा था। उन्होंने 20 उत्पादों की एक सूची बनाई, एक लिस्ट बनाई और खुद से सवाल करने लगे कि इसमें से कौन सा व्यवसाय वे अच्छे से कर सकते हैं। इसमें कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर, कपड़े, किताबें और ऑफिस एक्सेसरीज आदि थी। अंत में उन्होंने किताब बेचने से शुरुआत की। बेजोस का तर्क था कि किताब लोग ऑनलाइन मंगवा लेंगे, क्योंकि किताब खरीदते समय पाठक को उसे पूरी तरह देखना जरूरी नहीं है। पाठक को केवल किताब के लेखक का नाम और टाइटल पता होना चाहिए। भरोसा। अच्छी नौकरी छोड़ी, मन की सुनी। बात 1994 की है, जब बेजोस उस समय नए बिजनेस की उधेड़बुन में थे। वे उन दिनों वॉल स्ट्रीट की एक निवेश फर्म डी शो एंड कंपनी में फाइनेंशियल एनालिस्ट और सीनियर वाइस प्रेसिडेंट के पद पर काम करते थे। जब किताब का बिजनेस करना तय हो गया तो उन्होंने अपने
बॉस डेविड शो को नौकरी छोड़ने की जानकारी दी। शो बेजोस को छोड़ना नहीं चाहते थे, वे उन्हें लेकर एक पार्क में टहलने चले गए। उन्होंने बेजोस को समझाया कि वे अभी जल्दबाजी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि तुम्हारे पास बहुत अच्छी नौकरी और वेतन है, अभी जोखिम मत उठाओ। बेजोस ने जब माँ जैकी को बिजनेस के बारे में बताया तो उन्होंने इसका विरोध किया, कहा किताबों का काम तो वीकेंड पर भी किया जा सकता है, इसमें नौकरी क्यों छोड़ना। लेकिन बेजोस अपनी धुन के पक्के थे, उन्हें खुद पर भरोसा था। क्या आपको पता है अमेजन शुरू करने का प्लान एक कार में बना था। अमेजन का नाम रखने के लिए बेजोस ने अपने साथियों के साथ मिलकर लंबा चौड़ा मंथन किया था। बेजोस और पत्नी मैकेंजी ने कई नाम पसंद किए थे, जैसे makeitso.com, arad.com, awake.com, bookmall.com, relentless.com आदि। relentless.com को तो जेफ बेजोस ने रजिस्टर भी करवा लिया था। अगर आज भी उस वेबसाइट पर जाएंगे तो वहां से आप सीधे अमेजन की वेबसाइट पर ही पहुंच जाएंगे। अमेजन एक गैराज में शुरू हुई थी। अमेरिका का सिएटल उस समय टेक्नोलॉजी हब था, इसलिए बेजोस ने यहीं से कंपनी शुरू करने की ठानी। यहां उन्होंने 3 कमरों वाला एक मकान किराए पर ले लिया और पत्नी मैकेंजी के साथ रहने लगे। इस मकान में ही गैराज था। बेजोस ने गैराज से ही बिजनेस शुरू किया। वो शुरू में फालतू पैसा नहीं खर्च करना चाहते थे। इस तरह मकान नंबर 10704 का गैराज दुनिया की सबसे बड़ी ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी का पहला दफ्तर बना। सफल होने का चांस 70% है। बेजोस को नया बिजनेस शुरू करने के लिए एक अच्छे प्लान की ज़रूरत थी। काफ़ी कुछ तैयारी पहले से थी, लेकिन कोई पुख्ता प्लान नहीं बनाया था। वे उस समय पत्नी के साथ न्यूयॉर्क से सिएटल का सफ़र कार से कर रहे थे। रास्ते में उन्होंने लैपटॉप पर ही बिजनेस प्लान बना डाला था। बेजोस ने अपने परिवार को पहले ही बता दिया था कि बिजनेस सफल होने के चांस 70% है। बावजूद इसके उन्होंने बेजोस की कंपनी में पैसा लगाया। उसकी माँ का कहना था कि हमें व्यवसाय नहीं, बेजोस पर भरोसा है। एक साल में 18 से $105 पहुँच गया था शेयर। अमेजन ने 1997 में अपना IPO लाने की घोषणा कर दी थी। शुरुआत में कंपनी ने शेयर की कीमत $18 तय की थी। इसमें $5.4 करोड़ जमा करने का निर्णय लिया गया था। कंपनी के प्रोस्पेक्ट्स में सफलता का प्रतिशत 70% बताया गया था, लेकिन निवेशकों को बेजोस की योग्यता पर 100% भरोसा था। ऐसे में IPO सफल रहा। IPO के एक साल के बाद बाजार में अमेजन के शेयर की कीमत $105 हो चुकी थी। एक आश्चर्यजनक कहानी। अपने छोटे से बुक स्टोर को बेजोस ने दुनिया के सबसे बड़े स्टोर के रूप में स्थापित किया। ये बात उन दिनों की है जब सिएटल में अमेजन ने शुरुआत की थी। बेजोस को कंपनी के लिए कुछ कर्मचारियों की ज़रूरत थी। कफान और डेविस अमेजन के पहले 2 कर्मचारी बने। दोनों पेशे से इंजीनियर थे। कंपनी की तीसरी कर्मचारी उनकी पत्नी मैकेंजी बनी। मैकेंजी उस समय कंपनी के टेलीफोन और सेक्रेटरियल काम को संभालती थी। बेजोस ने ऑनलाइन बुक सेलिंग के लिए 1 सप्ताह की ट्रेनिंग ली। इस तरह एक गैराज से एक कंप्यूटर, 2 इंजीनियर और पत्नी के साथ बेजोस ने बिजनेस शुरू किया। तब बेजोस ने बुक सेलिंग के लिए एक सॉफ्टवेयर खरीदा। कुछ ही समय में बेजोस ने अपने सिस्टम में 10 लाख किताबों का आंकड़ा जमा कर लिया। अब बेजोस ने अपनी मार्केटिंग के लिए अमेजन को धरती का सबसे बड़ा बुक स्टोर कहना शुरू कर दिया। इसका लगभग सभी वितरकों ने विरोध किया। उनका तर्क था कि किताबों के स्टोर की दृष्टि से देखा जाए तो अमेजन धरती का सबसे छोटा बुक स्टोर है, लेकिन एक छोटे से अंतर ने बेजोस को बड़ा कर दिया था। बेजोस भी बाकी दुकानदारों की तरह वितरकों या प्रकाशकों से किताबें लेकर बेचते थे, लेकिन अमेजन में एक सुविधा यह थी कि यहाँ पर लाखों टाइटल में से मनचाहा टाइटल सॉफ्टवेयर के माध्यम से तुरंत खोजा जा सकता था। शुरुआत में तो अमेजन के पास कोई विशेष स्टॉक नहीं होता था। जैसे ही किसी पुस्तक का ऑर्डर मिलता, तुरंत वितरकों से 50% कमीशन के आधार पर पुस्तक खरीदी जाती और ग्राहकों को भेजी जाती। इसमें कई बार 1 सप्ताह से ज़्यादा का समय लग जाता था। यदि कोई किताब आउट ऑफ स्टॉक होती तो व्यवस्था में महीनों लग जाते। तब किताबों की पैकिंग आदि का काम रात में गैराज में बैठकर स्वयं बेजोस और उसकी पत्नी करती थी। यहाँ तक कि बंडलों को डाक घर ले जाने और ग्राहकों को भेजने का काम भी बेजोस ही करते थे। उस समय पैकिंग के लिए मेज तक नहीं थे, कर्मचारी घुटनों के बल बैठकर पैकिंग का काम करते थे। अमेजन का वर्क कल्चर, बेजोस की शक्ति का एक किस्सा, आइए सुनते हैं।
बेजोस किसी भी काम में कोताही नहीं चाहते थे। उस समय के एक कर्मचारी को शुरुआती 8 महीने में बहुत ही ज़्यादा काम करना पड़ रहा था। वो देर रात को घर जाते थे और सुबह ही फिर वापस ऑफिस आ जाते थे। इस व्यवस्था के बीच वो अपने घर के पास ही अपनी कार को पार्क कर भूल गए थे। वो अपने पर्सनल ईमेल और चिट्ठियों को भी नहीं पढ़ पा रहे थे। बाद में उन्हें चलान की कई पर्चियां मिली और जानकारी मिली कि उनकी कार नीलामी के लिए ले जाया जा चुका है। अमेज़न में आज भी आए दिन बेजोस की शक्ति के किस्से सुनने को मिलते रहते हैं। टू पिज्जा टीम का कंसेप्ट। वर्ष 2002 की शुरुआत में बेजोस टू पिज्जा टीम कंसेप्ट लेकर आए। उन्होंने हर प्रोजेक्ट टास्क के लिए 10 लोगों से कम की टीम बनानी शुरू कर दी, यानी टीम इतनी छोटी कि 2 पिज्जा में पेट भर जाए। इन्हें सख्त लक्ष्य दिया जाता था और इसी के आधार पर इनकी सफलता मापी जाती थी। कई कर्मचारियों को बेजोस का यह कंसेप्ट पसंद नहीं आता था। बेजोस अक्सर कर्मचारियों पर बुरी तरह चिल्ला देते थे। कहा जाता है कि अपनी इस आदत को सुधारने के लिए इन्होंने एक लीडरशिप कोच को भी अपनी मदद के लिए रखा था। इसे पढ़ेंगे तो बेजोस के दिमाग की दाद दिए बिना नहीं रहेंगे। अमेज़न। अपने शुरुआती दिनों में अमेज़न के पास स्टॉक नहीं होता था। वो ऑर्डर मिलने के बाद डिस्ट्रीब्यूटर से किताब खरीदते थे और ग्राहकों को भेजते थे, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर कम से कम 10 किताबों का ऑर्डर लेते थे। ऐसे में कई बार बेजोस को जो किताब खरीदनी होती थी उसके अलावा वे करीब 9 ऐसी किताबों के ऑर्डर देते थे जो खुद डिस्ट्रीब्यूटर के पास नहीं होती थी। ऐसे में बेजोस को सिर्फ 1-2 किताब का पैसा देना पड़ता था। शुरुआत के दिनों में जब कोई किताब ऑर्डर करता था तो एक बेल बजती थी। ऐसे में जब भी ये बेल बजती तो सभी लोग जमा हो जाते थे और देखते थे कि क्या किताब खरीदने वाला उनका कोई परिचित तो नहीं। बाद में ये बेल दिन भर में इतनी बार बजती थी कि किसी को इसका ध्यान भी नहीं रहता था। बेजोस का जीवन वाक्य, ग्राहक हमेशा सही होता है। सबसे अच्छी ग्राहक सेवा वो है जिसमें ग्राहक को न आपसे संपर्क करना पड़े और न ही बात करनी पड़े। सेवा अपना काम चुपचाप करती रहे। कंपनियां 2 प्रकार की होती हैं, एक जो ज़्यादा लाभ कमाना चाहती हैं और दूसरी वो जो कम लाभ कमाना चाहती है। हमारी कंपनी दूसरी श्रेणी में है। हम केवल उन्हीं क्षेत्रों पर धन खर्च करते हैं जो हमारे ग्राहकों से जुड़े होते हैं। मुझे पता है कि यदि मैं असफल हो गया तो मुझे कोई अफसोस नहीं होगा, लेकिन अगर मैंने कोशिश नहीं की तो मुझे ज़रूर अफसोस होगा। जो व्यवसाय आप कर रहे हैं यदि उसके बारे में सब कुछ नहीं जानते हैं तो विश्वास कीजिए कि आप असफल होने की ओर बढ़ रहे हैं। हम ग्राहकों को पार्टी में आमंत्रित मेहमान मानते हैं और खुद को उनका मेज़बान। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।